एक दिन की बारिश, बस एक दिन की बारिश और ऊपर से बीआरटी मंसूबा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सड़क के वस्त में गाड़ियां फंस गई तो मंसूबे के लिए लाई गई गाड़ियों के जरिए कीचड़ और पानी में फंसी गाड़ियों को निकाला गया। जो गाड़ी इधर फंसती है हम उधर खड़े होकर, हम तो आए तो अपने काम के लिए, जो गाड़ी वाला हेल्प मांगते हैं उसको हम हेल्प दे देते हैं। तकरीबन 30-40 गाड़ियों को हमने धक्का भी लगाया है, पानी में फंसे हुए थे कोई, तो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ भी दे दे और ड्यूटी भी निभाए इसके साथ। यही नहीं बल्कि पैदल चलने वाले भी हो गए मुहाल और सूबाई हुकूमत पर खूब निकाली दिल की भड़ास। कोई पानी में उतरकर गाड़ी को धक्के देने लगा तो कोई रस्सी के जरिए दूसरी गाड़ी की मदद से अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश करता रहा। क्या हमारे मिनिस्टर का काम नहीं है, हमारे सीएम का काम नहीं है कि वो आगे आगे आवाम की तकलीफ को देखें और उसको महसूस करें और उसको कुछ दूर करने का कोई रास्ता बताएं। जगह जगह पे इन्होंने सीवरेज के पाइप इन्होंने तोड़े हुए हैं, जगह जगह पे जो है इन्होंने सिस्टम सारा धर्म भरम किया हुआ है। ये सर्वस रोड का हाल आप देखें, सड़क से इस पार से उस पार अगर जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे कीचड़ बहुत ज्यादा है, कपड़े एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी नहीं लेके जा सकते। बारिश रुकी, धूप भी निकली मगर गाड़ियों की लंबी कतारें खत्म ना हुई। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से खुदा खुदा करके मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करने की इस्तदा कर डाली। एक दिन की बारिश और बीआरटी मंसूबे में ट्रैफिक के लिए नाकिस मुतबादल निजाम ने पेशावर शहर को एक बार फिर मसाइलिस्तान बना दिया है। कैमरामैन बिलाल कयूम के साथ रहम 24 न्यूज़ पेशावर।